हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल मैं अपना वीडियो एडिट करके अभी अपलोड पे लगाया, तो अभी फिलहाल खाना भी आ चुका है। खाने में दाल पनीर की सब्जी, ये स्पेशल गंजन में बनाया चिली पनीर। और चिली पनीर नहीं, हाँ वो गंजन कौन सा पनीर है, ये नॉर्मल पनीर है। अनियन पनीर बनाया है ना, साथ में चपाती, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हूँ। मैं चिल्ली तो दिखाई नहीं दे रही और ना ही इसको फ्राई किया। तो चलिए फिलहाल खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, मिलते हैं आपको खाने के बाद। वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी जस्ट शावल की ट्री हूँ, तभी देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे करते हैं, नीचे भी इन्जॉय करते हैं और साथ ही साथ धूप भी निकले, गर्मी भी होगी। नहीं, बरसातों में ऐसे ही होता है, कभी बारिश कभी धूप। तो इसीलिए पहाड़ों में ना इन दिनों में घूमने का डर लगता रहता है, क्योंकि बारिश हो जाती है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है। वैसे भी आजकल ये अमरनाथ में हुआ था और ये कभी कुल्लू मनाली में हुआ था, बादल फट गए थे, है ना। तो डर लगता है इन दिनों में घूमना, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी तो चलिए बना ही हुआ, जिसको जाना है वहाँ पे जाना, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल अवॉइड करता हूँ कि बरसात के दिनों में ना घूमें। इस बार तो वैसे ही मेरे को कुछ ऐसे ही बता दिया है भगवान ने कि मैं घूम ही नहीं सकता। मेरे को लगता है बरसात गया, बरसात निकल जाएगी तब भी मैं घूम नहीं पाऊँगा ईजिली। मैं चलते चलते यहाँ पर पहुँच गया, और एक बात याद आई कि जब भी घूमने का मन किया आज ना, है ना, तो यहाँ पर खड़ा हो गया। तो यहाँ से फिर से पुरानी वाली मेमोरीज याद कर ली, पेंगोंग लेक, ये योकवांगा, ये खादुंगला, नूबरा वैली और लद्दाख की विजिट कर लिया, है ना। जल्दी जल्दी आज रेफ्रिजरेटर भी ओपन करके देखते हैं क्या क्या है इसमें। इमली पड़ी हुई है, चुलबुली, ये कीवी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पड़ी हुई है। अच्छा लगता है ना जब आप बहुत दिनों बाद कोई चीज़ देखते हो। तो आज मैं अपने रूम के पास हूँ, बिल्कुल सामने है, गया था ना काफ़ी दिनों से, चलना स्टार्ट कर दिया। और कैसे, बढ़िया। क्या है, कौन सा है वो, इतना बड़ा देता तुसे? बहुत ज़्यादा है, आप ले लो, आप तो लोगे नहीं ना। मम्मी इरिटेट हो गए, कहते इरिटेट कदम हो गए, थक गए, जाओ कर लो। दे रहा हूँ, बस यही रीज़न है मेरी वजह से ना। मम्मी ना थोड़ा ना मतलब काम में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, क्योंकि सुबह जो घर का काम होता है वो होता है और मेरे लिए। लेकिन आज को थोड़ा सा मम्मी को ना रेस्ट मिला हुआ, क्योंकि कंचन आई हुई है। तो मैंने बोला था ना आपको कि अपना कि कंचन आएगी, काफ़ी टाइम से वो आई नहीं थी। जब मैं बीमार हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, तब थोड़ा थोड़ा बीच में आती थी, लेकिन उसको बोला था कि मम्मी को हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी उसने थोड़ा टाइम के लिए आना है, क्योंकि होता है ना कुछ टाइम बाद आते हैं, क्योंकि लड़कियों का भी पूरा हक होता है। जैसे इस घर में मेरा हक है, ऐसे उसका भी पूरा हक है, तो आने का पूरा हक है। और आप में से कुछ लोग बोल देते हैं कि ये यहाँ पे आती है, देखो वो अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही है, वहाँ पे है उसका घर, लेकिन क्या है कि मायका में कभी कभार आ जाते हैं। और जितना हक इस घर में मेरा है और उतना ही हक कंचन का भी है। ये सारी उम्र ऐसे ही चलते रहेंगे, वो आएगी जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। और आप लोग बोलते हो ना तो थोड़ा सा हर्ट करता है कि वो अपनी लाइफ में मस्त है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, है ना, सब सही है। लेकिन जब आप बोलते हो ना थोड़ा सा पिच होता है कि एक बहन है, बहन घर पर क्यों नहीं आ सकती, और उसका पूरा हक है इस घर में जितना मेरा हक है उसका भी हक है, क्योंकि लड़कियां आजकल बराबर है। और वो ऐसा नहीं कि उसको यहाँ से हक लेना है, लेकिन आप लोग जब बोलते हो ना तो मेरे दिल में खुद आती है ये बात कि वो क्यों नहीं आ सकती, है ना। हक तो नहीं लेते, लड़कियां नहीं लेती अपने मायके से, ससुराल में चली जाती है, है ना। तो लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि उसका आना जाना ही बंद होता है, लेकिन कभी कभार जब वो फील करती है कि नहीं मेरे को ऐसे बोल देते हैं, वो कभी कभार, इसलिए मैं वीडियो में लेना भी बंद कर देता हूँ, कम लेता हूँ कि ना नहीं। लेकिन क्या होता है कि वीडियो में जब मैं लेता हूँ तो मेरा ही कंटेंट क्रिएट होता है, अच्छा होता है, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, नहीं तो मैं वो अवॉइड करता हूँ। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है सोशल मीडिया पर आने का, ना ही वो आना चाहती है। नहीं तो एक चैनल पड़ा हुआ तो उसको कब से बोल रहा हूँ कि कर ले, लेकिन नहीं करना, मैं उनको नहीं करना, उसके ससुराल वालों नहीं करेगा, हस्बैंड लोग, मेरा जो इसमें इंटरेस्ट नहीं है वो, तो मैं उसको बोलता हूँ कि कर लो, लेकिन वो भी नहीं करेगी और ना ही करना चाहती है। हाँ, अगर इन फ्यूचर उसका प्लान हुआ तो उसकी मर्जी है, मैं रोक नहीं सकता, ये प्लेटफॉर्म ओपन है, जब मर्जी करे, है ना। तो बस ये था, बस यही कहता हूँ कि प्लीज़ आप भी किसी की बहन हो, किसी की वाइफ हो, ये लो ग्लास ले लो। जब आप ऐसे अपने माइक के जाते हो, जब आपकी शादी होगी, हाँ, तो आप भी जब जाओगे शादी के बाद अपने माइक के ससुराल से, तो जब आपको ऐसे कोई बोले कैसा फील होगा। लड़कियां पीछे कुछ नहीं देती, सब छोड़ जाती है, लेकिन यही आना जाता है। आज भी हम ना अपने नान के जाते हैं ना, तो हम उसी चाव से जाते हैं, और पूरा मतलब कि वहाँ पर कभी हमें हमारी मामी ने, हमारे मामा जी ने कभी ऐसे फील नहीं होने दिया, हमें अपने घर की तरह रहते हैं। तो यही प्यार हम चाहते हैं कि आगे जो नई जनरेशन है उसमें भी बना रहे,
इन कमेंट्स का हमें पहले पहले थोड़ा सा इफेक्ट करता था कि नहीं नहीं, लेकिन अभी थोड़े देर रिफ्ट हो चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मैंने सोचा कि अपनी तरफ से एक बार मैं बोल दूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्लीज़ कभी किसी को ऐसे मत बोलिए कि वो अपने घर में, आपके घर तो आ नहीं रही है ना कि वो ऐसे करे। कोई किसी का घर खराब नहीं करता, सब अपने टाइम के लिए आना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रही है, पता उसको इस वक्त मम्मी को ज़रूरत है मेरी, मैं आऊँगी हेल्प करवाऊँगी चले जाएगी, है ना। तो ये तो ऐसे लाइफ टाइम जब तक हम हैं हमारे रिश्ते, आगे आगे रिश्ते क्या होते हैं, यही होते हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे। और उसके पास इतना फ्री का टाइम ही नहीं, वो अपने काम में बिजी है, अपने घर के काम में बिजी है, और ना ही इन चीज़ों को कहती कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि उसको जॉब करना है उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। एक बार मैंने पहले भी बोल दिया था कि कुछ लोग हैं फेक आइडिया उसकी बना के ऐसे कर रहे थे, उसके पास टाइम नहीं है, ना उसको आता है ना करती है वो। और हाँ, एक बार मेरे को उसने जरूर गुस्से में बोला था कि कुछ हमारे घर में मम्मी के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी, और उसने मेरे को कमेंट करके बोला था सोशल प्लेटफॉर्म पे, तब मैंने उसको बोला था कि यहाँ पे ना बोलो, तो वहाँ से उसने डिलीट कर दिया था। और ऐसा कुछ नहीं है, अ वेरी गुड इवनिंग। मेरे को लगता है आपको बहुत खुशी हुई होगी मेरे को यहाँ पे बैठे हुए देख के, लेकिन आपसे ज़्यादा खुशी मेरे को ही है, क्योंकि ना मैंने स्टैंड को वहाँ पे लगा के यहाँ पे बैठ के अपनी फेवरेट वाली प्लेस में बहुत टाइम बाद अच्छा लग रहा है। और सामने नमन अपने मोबाइल को प्रेड कर रहे हैं, और आज बादल भी दिखाई दे रहे हैं, कि अच्छा लग रहा है जब आप फिर से वो पुरानी वाली जो आपकी पसंदीदा जगह होती है ना, आप वहाँ पे बैठते हो। और आज एक बहुत ही खास दिन है, लेकिन मम्मी मानते नहीं। वो क्या है कि आज ना है मम्मी का बर्थडे 16 जुलाई को, तो मेरे को मम्मी बता रहे कि 18 को है, लेकिन एज़ पर डॉक्यूमेंट्स मम्मी का जो बर्थडे है वो 16 को है। तो हम सोच रहे कि छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन होता क्या कि आज तक हमने मम्मी का कभी सेलिब्रेशन नहीं किया। आज चलो कंचन भी घर पे है, और हैप्पी बर्थडे मम्मी, खुश हो गए? और मम्मी कह रही है मेरा बर्थडे आज नहीं है, कब है आपका बर्थडे? 18 को। मम्मी अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं प्रोविस्टों के हिसाब से, लेकिन बट मम्मी का बर्थडे आ जाए, अच्छा है, तो हम आज ही सेलिब्रेशन करेंगे। क्या करेंगे अभी कुछ नहीं पता, पंकज जी को बोला कि आते हुए केक ले आना, तो केक कट करेंगे यहाँ पे फैमिली के साथ, क्योंकि पहले कभी नहीं मम्मी का सेलिब्रेशन किया। और मैंने बहुत सोचा हुआ था इस ईयर कि अगर मम्मी का जब बर्थडे आएगा तो मेरे को मम्मी को कुछ गिफ्ट देना, लेकिन इस वक्त फिर से रह गया वो गिफ्ट, क्योंकि सब चीज़ें टाइम आने पर ही होती है और बिना टाइम के नहीं हो पाती। तो चलिए जैसा भी हुआ छोटा सा सेलिब्रेशन जरूर करेंगे, और सोचते हैं कि आज आउटिंग करते हैं थोड़ी सी फिर से, और हमारा जो डिनर है वो बाहर होगा। लेकिन कंचन बोल के तुम चल लोगे? मैंने कहा हाँ मैं चल पाऊँगा, क्योंकि बर्थडे मिस नहीं करना, बाहर खाना खा लेंगे, तो अभी देखते हैं क्या होता क्या नहीं। अब नीचे उतर, मम्मी पीछे घुस रहे हैं आराम से, तुम बहुत पंगे ले रहे हो, मतलब कि मैं नीचे उतर रहा हूँ। कह रहे कि शरारतें मत करो ऐसे, मतलब कि जोर मत दो कि ज़बरदस्ती यहाँ पे चढ़ना है, लेकिन मैं बहुत ही केयरफुली चढ़ रहा हूँ तो, लेकिन मम्मी का दिल घबरा रहा है, धक धक कर रहा है, कहीं चोट और बढ़ ना जाए, उसका दिल तो दर्द करते हैं ना, चाहे वो बाहर से जितनी मर्जी मतलब कि वो लगे है ना निर्दयी, लेकिन अंदर से तो वो उसका दिल सॉफ्ट होता है बच्चों के लिए, है ना, कि घबराता है ना, लेकिन बाहर से थोड़ा सा ऐसे बन के अपना प्रेशर बना के रखते हैं ताकि बच्चे पे अपना दबाव बना रहे। अभी होता है कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, मम्मी आप ऐसे बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं, मम्मी को गुस्सा हो जाता है कि मेरा कहना नहीं मान रहा, ये होता है ना कि बच्चे हैं उनके लिए तो चाहे हम जितने मर्जी बड़े हो जाए बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना, लेकिन जो ये वाला पीरियड है निकला था मेरा, तो मेरे को फील हुआ कि नहीं कि कभी गुस्सा भी हो जाए तो पलट के जवाब मत दो, बस ये था कि काफ़ी महसूस किया कि जो इस सिचुएशन में था कि 10-15 दिन में बैठ के ऊपर ही रहा, बिल्कुल हिला नहीं, और सब कुछ मेरा बैठ के ऊपर ही होता रहा, तो मम्मी का फिर और सिस्टर ने हेल्प किया। मम्मी का बर्थडे केक, मम्मी कितने खुश हो रहे हैं ना केक कट करने के लिए, अच्छा है ना। मैं पहले कट किया आपने कभी? मेरे को तो याद नहीं। हाँ हैप्पी बर्थडे भी लगा दिया, वही मैंने देखा कि मोम लिखा हुआ है, छोटा सा ठीक है ना, कि मतलब ज्यादा नहीं खाया जाता। ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था, क्योंकि घर में हम ही थे और कोई प्लान नहीं था, बस छोटा सा केक कट किया और बाहर डिनर करेंगे। मैम 57 होगी तो डी एज, मम्मी की एज 57 होगी,
और आज हम बाहर खाना खाएंगे, नहीं तो हम क्या है कि घर का हेल्दी खाना खाते हैं, आज थोड़ा सा बाहर भी खा लेते हैं, क्योंकि बाहर का खाना हम ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन जब कभी कभी ऐसे डेज होते हैं तो थोड़ा सा बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन मेरा बैठना मुश्किल है, लेकिन देखते हैं कि कैसे होता है कैसे नहीं। अभी निकल रहे हैं, लेकिन ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश ने मतलब कि बिजली कड़क रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आते हुए ना बारिश हो जाए और हमारी जो नीचे वो पुलिया है ना कहीं वहाँ पे फ्लड आ जाए तो रह गए हम दूसरी तरफ ना। चलिए जल्दी बैठते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो स्टैंड भी अंदर ही कर लेंगे ना, फायदा है इसका। स्टैंड रख लेना तो पहले उतने तक पहुँच जाए। स्टैंड दे दो, तो स्टैंड आ गया ना, उससे मतलब वो कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, गाड़ी में भी रख सकते हैं। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੰਜਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋਗੇ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਲ ਲੇਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਸੇ ਨਾ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਡਾਲਾ ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤਬ ਵੀ ਹਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਰੇ ਗਏ ਥੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਊਟਿੰਗ ਡਿਨਰ ਕੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਪੈਕਟ ਸਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡਜਸਟ ਲੱਡੋ ਚਲੋ ਕੰਜ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਰ ਹੈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪੰਕਜ ਜੀ ਕੇ ਘਰ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕੀ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁਮਾ ਕਾਫੀ ਵਰਤਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਨਾ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਟੋਆ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਕੱਢਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਰਸਤਾ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਹਮ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਤੇ ਥੇ ਸਭ ਸੈਟਰਡੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤੋ ਅਭੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਚਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਬੈਠ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ ਹੈ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਨਾ खा लिया अभी वापिस जा रहे हैं लेकिन जाते हुए रास्ते में इतनी तेज बारिश तो फिलहाल अभी हम घर पहुंच चुके हैं मेन डर था वहाँ पे पुलिया पे कहीं फ्लड वगैरह ना आए लेकिन सेफली निकल आए तो फिलहाल घर पहुंच चुके हैं लेकिन लाइट नहीं है और इन्वर्टर वाली लाइट चल रही है क्योंकि बारिश बहुत तेज हुई है और बहुत तेज तूफान चला था जिसकी वजह से लाइट चली गई है तो अभी लाइट आ जाए तभी सोया जाएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी क्योंकि फैन की वजह से ना नींद तो आ जाएगी लेकिन ह्यूमिडिटी है जिसकी वजह से थोड़ा सा बड़ा अब एसी वाली हैबिट सी हो चुकी है ना इसलिए तो फिलहाल मेडिसिन वगैरह खाते हैं और सोते हैं और मिलते हैं आपको मॉर्निंग में तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड नाइट।